गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप अच्छे ही होंगे। और गुड मॉर्निंग तो बहुत देर की हो गई, 12 बज गए हैं। नहा लिए, सब लोग रेडी हो गए। धूप भी अच्छी खासी तेज़ निकल रही है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। पराठे क्या, रोटी शायद बनाऊंगी या पराठे, जो भी है। आज मैंने मूली के पराठे बना रही थे, थोड़े से अलग स्टाइल में। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है ऐसे अच्छे बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ मूली किसके आटे में मिला के। तो मूली मैंने और लहसुन धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें आटे में मिलाया है, और अभी इसके बनाते हैं पराठे रोटी जो भी। वैसे तो पराठे ही अच्छे लगते हैं, बट सोच रहे हैं कि रोटी बना लेंगे, तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। और चटनी या उससे खाएंगे, चटनी सौंठ वगैरह पड़ी है उससे। और मशीन लगा दी है मैंने, कपड़े धोने थे मेरे को, और आई हूँ मेरे पास किचन में। मैंने सोचा सुला दूँ सो जाए, तो इनको कहीं जाना है इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ खाना। मोस्टली जल्दी बना लेती हूँ, बट आज थोड़ा और जल्दी। और आई हूँ यहाँ पे मेरे साथ। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन। मेरा लाला लिटिल बॉश बन रहा है। हेलो कर दो। हेलो गाइज, ऐसे बोलोगे हेलो? इतना लंबा? गंदे बच्चे, पूरा टाइम थुक्की थुक्की निकालता रहता है। पता नहीं ऐसा होता है क्या। मैं एक बार कहीं गई थी तो एक आंटी मिली थी, मतलब तो ये थुक्की उक्की ऐसे निकाल रहा था। वैसे मोस्टली तो ऐसे बोलते हैं कुछ खाया नहीं तो, पर वो लार टाइप निकालते हैं, तो गाड़ी चलाता रहता है भूं, तो थुक्की निकालता रहता है। तो वो आंटी बोली कि इसको ना कहीं खुजली हो रही है, जब बच्चे को खुजली होती है ना तो ऐसे थूक निकालता है। पता नहीं वैसे सबके यहाँ अपना होता होगा कुछ, पता नहीं। उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि इसको कहीं खुजली हो रही है इसलिए जो है ये थुक्की निकाल रहा है। खाना बनवाओगे? ये भी पूरा कैमरे पर फोकस करता है, बहुत देखता है कैमरे की तरफ पूरा। तो अभी मैं बना लेती हूँ पराठे। ये लगा दिया था मैंने यहाँ पे आटा, सारी चीजें इसमें मिला के, और अभी स्टार्ट कर देती हूँ पराठे बनाना। आटे की, अच्छा इस आटे की बना दूँ, ऐसा सोच रहे थे आप? ये भी बहुत वैसा आया है क्या? चार किलो का कौन सा है? 5 किलो का पैकेट बनाना नहीं चाहिए था? 500 की रेंज में करना चाह रहे हैं। मतलब पैसे 500 और आटा भी। अलमारी का हाल, ये कपड़े ना मैं जो जो अभी मुझे लगता नहीं है एक दो रखूंगी, बाकी सारे ना अभी मैं रख देती हूँ और इसको बाद में सेट करूंगी। फिलहाल जो भी कपड़ा रखना है उसको मैं रख देती हूँ। आयुष हो रहा है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो फिलहाल इसमें से जो भी पैड में डालना है वो डाल देती हूँ, उसके बाद इस अलमारी को सेट करेंगे बाद में, क्योंकि छोटा बच्चा एक साथ सारा फैला रहा है, ये भी निकाल दिए वो भी निकाल दिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और पता नहीं कितनी देर सोएगा। तो फटाफट से ये निपटाते हैं। मैंने अभी ये थोड़े हटा दिए इसलिए और ज़्यादा उथल पुथल हो गई है। और सारी अलमीरा का यही हाल हो रहा है, सारे हैंगर्स का यही हाल हो रहा है। तो बस अभी लग रहा है इनको रख दें, गर्मी सी भी हो गई है, तो एक दो बचाऊंगी, बाकी सारे रख दूंगी। अभी तो मैं सारे कपड़े निकाल भी नहीं पाई हूँ, उधर रखे हैं अभी तो अलमीरा से। और साहब जग भी गए, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मम्मा को थोड़ा काम भी तो करने दो, थोड़ा तो काम करने दो मम्मा को। तो यहाँ पे मैंने एक ये जो बैग है ये ब्लैंकेट कवर मंगाए थे मैंने, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें एक में मैं अपने और इनके रख देती हूँ, एक में याशी के भी खिलाना है। ये दोनों तो अभी मुझे को वॉश करने हैं, ये रह गए हैं वॉश करने के लिए, यही मैं बाहर रखूँगी। एक ये है इसमें अभी सेट करने हैं, ये वाला मैंने बैग पूरा पैक कर दिया, एक आधा कुछ होगा तो रखूँगी। एक तो अभी मैंने स्वेटर बाहर रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगी अभी तो, बट मोस्टली रख दिए हैं ताकि अलमीरा खाली हो जाए, और अभी बस खाली किए हैं, पूरे सेट नहीं किए हैं, इतना स्पेस सा हो जाएगा। ये देखो तो अभी काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, अभी ये बाद में सेट करूंगी। ये आयु ना बार बार जग रहा है, मेरी गोदी में ही है ये, यहाँ पे मेरी गोदी में ही है, बार बार जगे जा रहा है,
तो बस ये वाला एक बार ये रख देते हैं, उसके बाद जो है और एक दो बचा के सेट करेंगे, फिर बाद में किसी किसी दिन आजकल में, मतलब जैसे ये सो जाएगा फिर जो अलमीरा जो नॉर्मल है कपड़े वो सेट करूंगी। अभी तो फैला रहा पड़ा है मेरा, और ये भी जग गया है तो मेरी गोदी में ही है। तो ये दो बैग कर दिए हैं मैंने रेडी, ये वाला बैग हो गया, ये अभी काफ़ी खाली है क्योंकि अभी जो कपड़े बचे हैं ना, जो ये थोड़ा खाली है, अभी जो कपड़े बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे। और अभी तो ये फैला रहा हो रहा है, मैं इनको रख देती हूँ अभी बेड में, और थोड़ा सा स्पेस इसमें है, वो जो अभी निकले हुए हैं वो आ जाएंगे। बाकी एक और बगीने का ये ऐसे के कपड़े जो छोटे हो गए वो हैं, ये घर ले जाऊंगी, तो अगर प्रशाको आएंगे तो वो रख लेंगे, नहीं तो किसी को दे देंगे जिसको भी ज़रूरत होगा। तो ये है, बाकी ये रख देते हैं अभी बेड के अंदर। तो अभी मैंने रख दिए हैं कपड़े जो भी अभी तक के फैला रहा था, याशी स्कूल से आके खा रही है यहाँ पे खाना, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए नीचे। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। याशी का मन हो रहा था कि मम्मा कुछ पनीर का बना दो, वैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार, थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं लग रही, तो मैं सोचा चलो बना देती हूँ। ये मटर पनीर कट कर लिया, और इसमें मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ पीस लिया है, और मैं सोच रही हूँ आज ऐसे बना देती हूँ फटाफट से जल्दी। वैसे मैं मोस्टली प्याज पीस के कम बनाती हूँ, बट थोड़ा सा मतलब नहीं हो रहा था इजी सा, मतलब अनईजी सा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जो भी इजी बन जाए वो बना देते हैं। तो मैं अभी ये मटर पनीर बनाऊंगी, और आयु यहाँ पे खेल रहा है, पता नहीं क्या खेलने में लगा है खुद ही। ओ माय गॉड, इतनी सारी थुक्की, गंदा बच्चा, नो इंगी, गंदा बच्चा। क्या खेल रहे हो आप, क्या खेल रहे हो, गाड़ी चलाते रहते हो पूरे दिन, थुक्की की गाड़ी, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। और याशी यहाँ पे अपना कुछ बना रही है, क्या बना रहे हो गुड्डू आप? अच्छा हाँ, उस दिन इसने जो हाउस बनाया था ना, इसको तीन बनाने थे तो एक उस दिन बन गया था, तो यहाँ पे ये और बना रही है। और इनकी भी थोड़ी सी पैरों में बोल रहे थे दर्द हो रहा है तो लेट गए हैं, और मैं फटाफट कर लेती हूँ अपनी यहाँ पे सब्जी की तैयारी। तैयारी हो गई भाई, सब्जी मुझे बनानी है, कुकर में बनाऊंगी तो फटाफट से बन जाएगी। और मैं पनीर को कच्चा ही बना रही हूँ, चाहो तो थोड़ा सा सैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं, मैं मोस्टली कच्चा बनाती हूँ, कभी कभी मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो अभी इसको फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कट कर दिया है सैलेड, और ये बन गई है मेरी सब्जी, और ये याशी खा चुकी है, उसको राइस खाने थे तो थोड़े राइस रखे थे, और रोटी बनाऊंगी बस मैं अभी। ये मैंने बहुत ही मतलब सिंपल वाले उसमें बनाई है वे में, और ये है सैलेड। कई दिन से कचुम्बर सैलेड बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज ऐसा वाला बना लेती हूँ। ये अभी मीटिंग कर रहे हैं तो ये फ्री हो जाएंगे, तो फटाफट से रोटी बनाएंगे और खा लेंगे, याशी को भूख लग रही थी तो उसको दे दिया। साइकिल नहीं चलाई है बहुत दिन से, तो साइकिल लेके जा रही है याशी नीचे आज, बहुत पता नहीं कब के चलाई है, मुझे तो याद भी नहीं है, शायद आयु हुआ था उससे पहले चलाई है, आयु होने के बाद तो चलाई नहीं है ना। हाँ तो पोपट मैं आपका, तो बस अभी पता नहीं कितनी देर सोएगा, आयु सो रहा है तो ये बोल रही है, इसके पापा थोड़े थके हुए हैं तो वो नहीं जा रहे हैं, तो बस मैं इसके साथ जा रही हूँ थोड़ी देर। हाँ बॉटल ये रही मेरे पास, याशी यहाँ पे चला रही है साइकिल और मैं कर रही हूँ थोड़ी देर वॉक, जब तक ये चलाएगी, जब तक फोन नहीं आ रहा आयु के, चलो चलो चलो, जब तक आयु सो रहा है जब मेरे लिए रुक रही है, इसको कैसे बताऊँ कि भाई तू साइकिल से चल रही है तो तू फास्ट फास्ट चलेगी, मैं स्लो स्लो चल पाऊंगी, थोड़ी हूँ आगे जाओ आप और राउंड लगाओ, पीछे आओ, मैं तो चलती रहूंगी। शादी है साथ में, सामने मैरिज होम है तो गानों की आवाज आ रही है। इस साइड रोड है, इस साइड पार्क है, तो एक राउंड हम ऐसे ऐसे से पूरा एक राउंड लगा रहे हैं, और सामने शादी हो रही है। हमें तो शादी में जाने का बहुत कम ही मौका मिलता है यहाँ रहते हैं, तो घर पे तो जैसे मम्मी पापा लोग वहाँ पे तो जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब उतना ये तब शादी में क्या पर हानि, जब बर्थडे पार्टी वगैरह में तो काफी गए हैं। खैर हाँ बेटा, शादी के गानों में याशी भी कह रही है मम्मा शादी में मजा आ रहा, गाने चल रहा है, लगा दे दो पैक बल्ली, ये वाला गाना चल रहा है, अच्छा लगता है मुझे वैसे ये सॉन्ग। बस कर लेती हूँ थोड़ी देर वॉक, बस 10 मिनट हुए हमें और आयु उठ भी गया और हम ऊपर भी आ गए, एग्जैक्टली 10 मिनट हुई थे, 10 मिनट पर ठीक है, 10 मिनट की वॉक हो गई। याशी का मन रह गया कि साइकिल चला ली थोड़ी देर, उसने कब से नहीं चलाई थी इसलिए, और आयु के पापा मेरे की दूध ला रहे हैं वहां पे। आयु
गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे कल तो गुलाब ही आया था गुलाब डे पे, गुलाब जामुन नहीं आए थे, जबकि मैंने तो गुलाब जामुन बोला था और आज आ गए प्रपोज डे में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है कि काला जामुन है? वैसे काला जामुन। हाँ आज ने गिराया क्या था, गिर गया था, यासी आयु को खिला रही थी और आयु गिर गया। जैसे ही मैं उसको पजामी पहना के आई थी बाहर और ये अपनी मीटिंग करने जा रही थी, एकदम से आवाज आई धम। मैं करी क्या गिरा, मैं फटाफट से गई, बेचारा मेरा आयु गिर गया था। दीदी ने आपकी गिराई कर गिराई कर दी थी भैया, आपकी धुड़मू कर दी थी। हाँ आप तो खुश हो रहे हो गिर के। और यहाँ पे आ गए हमारे गुलाब जामुन। तो ये आ गए हमारे, चम्मच ले पता नहीं काला जाम है गुलाब जामुन है। चार पांच चम्मच ले। काला जाम तो काले होते हैं यार, ये तो गुलाब जामुन है।